अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी गोश्त और टमाटर का सालन हैदराबादी स्टाइल में, बिल्कुल इजी प्रोसेस से बनाकर देखेंगे। चलिए बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए 400 ग्राम मटन ले ली मैं और एक 3 मीडियम साइज़ की प्याज है। इनको दोनों को एक साथ वॉश कर लेंगे। वॉश करके कुकर में ऐड कर देंगे। अब इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, अब ये लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून ले लेंगे। अब उसके साथ ही थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी मैं, यानी 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून ले लेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, यानी 1 कप पानी डालेंगे। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करके लीड लगा दूंगी मैं। लीड लगा दूंगी, 3 सीटी होने के बाद देखिए रफली चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। देखिए टमाटरों को ऐड कर देंगे, यानी 4 टमाटर है ये मीडियम साइज़ के, रफली चॉप किए हुए टमाटरों को ऐड करेंगे। अब उसके साथ ही देखिए ये एक मीडियम साइज़ की कैरी है, देखिए इस साइज़ से एक कैरी को इसमें छिलका निकाल कर इस तरीके से ऐड कर देंगे। इस बेस पर आप लोग अच्छे से भूनकर खट्टा भी ऐड कर सकते हैं। ये कैरी से बनाना है गोश्त और टमाटरों का सालन। एक कैरी डाल देंगे इस तरीके से कटिंग करके, इसमें हरा धनिया थोड़ा सा ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे फुल फ्लेम पर, एकदम हाई फ्लेम पर ही इसको मिक्स करेंगे। अब लीड लगाकर मैं 1 सीटी दूंगी। देखिए 1 सीटी होने के बाद लीड निकाल दिए थे अच्छे से, अब देखिए कैरी भी अच्छे से गल गई और टमाटर्स भी अच्छे से गल गए, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से भूनेंगे ज़रा, अब भूनकर पानी ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी देखकर आप लोग पानी एडजस्ट कर सकते, गाढ़ा थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे, देख सकते आप लोग इस तरीके से। बिल्कुल इजी है बनाना और बहुत टेस्टी रहता है ये। एक हरी मिर्च ऐड करेंगे बीच में से तोड़कर, आधी मुट्ठी हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसको बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे हाफ कवर करके, अब इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ईजी है बनाना और कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी होता है ये टमाटर और गोश्त का सालन। चलिए अगर ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इस तरह से ही न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।